मैं प्रथम मुख्यमंत्री धन्यवाद ज्ञापन करिछो जे अखोमिया जातिर प्रतिबाद अखोमर राइजर प्रतिबाद अंततः तेओ खुनी बोले तेओ खुनी ग्रहण करिबोले बाध्य हल। आसलते पंचायत और ग्रामोन्नयन विभागे अखोम सरकारर मुख्यमंत्री लगत आलोचना करि सिद्धांत ग्रहण करिसिले नाय आमी नाजानो। मुख्यमंत्री लगत आलोचना नकराक निश्चय यह सिद्धान लो असम्भव आन यू एने सुदूरप्रसारी सिद्धान आर फलस्वरूपे गाँवर मानुर स्वाधीनता तो हरण हलन समग्री मानुर समग्र गाँवबी मानुर सांघातिक धरण अर्थनैतिक लोकसान हलन गोटे भारतवर्षर कतो एने गाँव घर बनबर कारण केरण कर आरोप आम शुना ना। आम क्य केवल शुनी पंचायत घर बनबर कारण गाँवर मानुे एन आवेदन जानव लगे कितना केुना ना गाँव घर बनबर कारण गाँव दुकान बनबर कारण टेक्स दी लगे ये कथा शुना ना कि पंचायत और ग्रामोन्नयन मंत्री निजे घोषणा कर अनुसरी और तलोर डकुमेन्ट थका अनुसरी आमार मानुर गाँव गाँवर घर दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठान आटाइटे कर लगभग खुजी आप सकुए जाने जो मैं प्रथम दिन इोधिता राइजर दल सभापति हिसाब और शिवसगर जिलार शिवसगर समष्टिर विधायक हिसाब मैं प्रथम दिन इतिबाद संबद माध्यम आगत प्रतिबाद जी दूटा दिन जीदिनार घोषणा हल तार पिछर दूटा दिन विधानसभा अनुषित दुटा दिन में मैं इतना सब्यस्त करके जाने जो मैं निजे फेस्टून लधानसभा सब्यस्त करते मोक सतर्कवाणी शुना आनक कल विधानसभा जी घटना संघटित अभूतपूर्व धरण घटना तारो मूल गुरी सगे मोर कल रातिपारे आ कारण बारम्बार मैं कल रातिपुवा जी प्रतिबाद गाँव मानुर घर ऊपर कर लगभग दिया नहब गाँव दुकान ऊपर कर लगभग दिया नहब बोली प्रतिबाद करें सकुए देखी मोक अध्यक्ष महोदय सकियनी दी आपे देखी जे सरकारी पक्ष विशेषक संसदीय परिक्रमा दफ्तर मंत्री मोक समालोचना कर कि सकोबाक समालोचना और सकियन पाशतो एट कथा खतांग हल विधानसभा फलस्वरूपे आज गाँव राइजे एट डांगर खबर लाभ कर ले गाँव और कर बहुवा निके एटा दूटा कथा गाँव कर बहुवा नी सिद्धांत लाशा कथा एक नम्बर मुख्यमंत्री अज्ञाते सरकार अज्ञाते अक पंचायत और ग्रामोन्नयन विभागे ये सिद्धांत लैसी ना कि जदि लैसी तेतिया हले पंचायत और ग्रामोन्नयन विभाग क्य इयार कारणे शास्तिर सम्मुखीन नहब एजन मंत्रीये करा घोषणा जदि मुख्यमंत्रीये बातिल करिब लागे तेतिया हले से मंत्रीजनक मंत्रीसभार पर बरखास्त करिब लागे ने नालागे मैं से कारणे ए मुहूर्त दाबी उत्थापन करिछो जे पंचायत और ग्रामोन्नयन मंत्री रंजित दासक अनति विलम्बे अखम मंत्रीसभार पर बरखास्त करिब लागे आरु जदि मुख्यमंत्री अनुमति लखम सरकार अनुमति सपेक्षे ये कर आरोप कल मुख्यमंत्री उठा लसलते मंत्री रंजित दासक समग्र सम्मुख लज्जानत करे समग्री राइजर सम्मुख अपमानित करके रंजित दासे ये अपमान कारण पदत्याग लगे गति के मुहूर्त मैं भाव गुरुत्वपूर्ण दूटा राजनैतिक प्रश्न जड़ित एक नम्बर प्रश्न तो हल जदि मुख्यमंत्री अनुमति नोलोक रंजित दासे निजे उस्तादी मारे और सरकार जो हलठेक पेलैसे तैयार हमें रंजित दासक मंत्री हबार बरखास्त लगे और जदि सरकार अनुमति सपेक्षे पंचायत और ग्रामोन्नयन मंत्री सिद्धान लैसे अर्थात गाँव घर गाँव दुकान ऊपर कर आरोप कर सिद्धान लैसे और जदि सिद्धान सरकार अनुमति सपेक्षे लाशतो
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কালি তেওঁক রাজহুয়াকৈ অপমান করিলে। গতিকে মই ভাবো যে রঞ্জিত দাসে ইয়ার অপমান এই অপমানের কারণে পদত্যাগ করা উচিত। যি কি নহোক এই মুহূর্তত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। যি কি নহোক অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ মহোদয়কো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো, কারণ এই প্রতিবাদত তেখেতে মোক সকিয়নি দিছে যদিও সেই প্রতিবাদৰ ফলস্বরূপে বিধানসভাত সেই প্রতিবাদৰ ফলস্বরূপে আচলতে এই কর আরোপৰ ঘটনাটো উঠাই লবলৈ বাধ্য হল, কর আরোপৰ ঘটনাটোৰ পৰা সরকার আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হল। আর সেইকাৰণে মই এই মুহূর্তত রাইজৰ দলক, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর অসমৰ তামাম জনগণ, অসমৰ জনগণ যিসকলে ইয়াৰ প্রতিবাদ কৰিছিলে আর বিভিন্ন দল সংগঠন যিবিলাকে ইয়াৰ প্রতিবাদ কৰিছিলে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত পাতিছিলে, সমগ্র অসমৰ সেই দল সংগঠন আৰু ব্যক্তিসকলক মোৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জনাইছো যে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে এই প্ৰচাৰ নকৰা হলে চৰকাৰ চাগে এনেকুৱা হেঁচাত নপৰিলেহেঁতেন। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াক ধন্যবাদ জনাইছো যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিসকল লোকে ব্যাপক ৰূপত কৰ আৰোপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে, ছ'চিয়েল মিডিয়া, সংবাদ মাধ্যম আৰু আমাৰ প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে এনেকৈ চৰকাৰে এই কৰ আৰোপৰ ঘটনাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হল। আৰু সেইকাৰণে এই বিজয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক বিজয় আৰু এই বিজয়ৰ কাৰণে মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক অভিবাদন জ্ঞাপন।